आए दिन आपने सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें भारत के कई भूतिया स्टेशन का जिक्र किया गया है। लेकिन भले ही ये स्टेशन भारत के टॉप 10 भूतिया स्टेशनों की सूची में शामिल है, मगर फिर भी बहुत ही कम लोग इस रेलवे स्टेशन से परिचित होंगे, जिसका जिक्र मैं आज आप लोगों से करने वाला हूं। इस स्टेशन में भूतों का दबदबा इतना है कि कोई ट्रेन ड्राइवर यहां ट्रेन रोकना तक नहीं चाहता। ट्रेन से नीचे उतरना तो बहुत दूर की बात है। और जब ड्राइवरों से ट्रेन ना रोकने का कारण पूछा गया तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि सुन के सबके होश उड़ गए। ऐसा कुछ कहा कि ये स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बने रहिएगा वीडियो में, हम आगे बताएंगे कि आखिर ड्राइवर ने ऐसा क्या कहा जो लोगों ने इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन नाम से बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना है मुझे कि हमारा यह नया चैनल है जिसपे हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियोस लेकर आते रहते हैं, और हर वीडियो में हमारी ये कोशिश रहती है कि टॉपिक हर बार कुछ अलग हो और नया जगह का जिक्र हो जिसके बारे में कम से कम लोगों को पता हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे और मुझे आपका सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। साथ ही ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि ड्राइवर ने ऐसा क्या कहा जो ये स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा और शाम के 5 बजते ही वीरान पड़ जाता है। बात यह है कि जब ड्राइवरों से ट्रेन ना रोकने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रेन के यहां आते ही ट्रेन के आगे से कोई दौड़ कर निकल जाती है, मानो जैसे उसने ट्रेन से रेस लगाने का चैलेंज किया हो, जिससे हमें डर लगता है और हम यहां ट्रेन नहीं रोक पाते हैं। यह किस्सा इतना मशहूर था कि इस स्टेशन को बंद करने का फैसला रेलवे सरकार को लेना पड़ा। कहानी पूरी जानकर कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा नजारा देखते हुए इस रूट से सफर करना चाहेंगे आप। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि यहां एक महिला की आत्मा के होने का दावा किया जाता है, जिस महिला की मृत्यु ट्रेन से कटने के कारण इसी जगह हुई थी। इस स्टेशन का नाम बेगुनकुदर है, जो झारखंड की राजधानी रांची स्टेशन से 90 किलोमीटर दूर झालदा और कोटशिला स्टेशनों के बीच में पड़ती है। कहा जाता है कि बेगुनकुदर स्टेशन संथालों की रानी लाचेन कुमारी और रेलवे के साझा प्रयासों से वर्ष 1960 में खुला था, लेकिन स्टेशन बनने के कुछ सालों बाद यहां भूत होने की अफवाह फैल गई थी। ग्रामीणों के अनुसार 1967 में एक रेलकर्मी को उस महिला की भूत दिखी जिसका कुछ दिन पहले स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, और अगली सुबह उसने गांव वालों को भूत देखने की बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन रेलवे कर्मी के भूत देखने के दावे के कुछ दिन बाद ही यहां के स्टेशन मास्टर और उनके परिजनों की लाशें उनके रेलवे क्वार्टर से मिली। इसके बाद कई लोगों ने यहां भूत देखने के दावे किए। यहां भूत का खौफ इस कदर छाने लगा कि लोको पायलट ने यहां ट्रेन रोकना बंद कर दिया। लोको पायलट का कहना था कि भूत ट्रेन से रेस लगाती है, वह ट्रेन के आगे पटरी ऊपर जाकर नाचने लगती है। यहां तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेल कर्मी भी यहां से भाग निकले और रेल कर्मचारियों ने स्टेशन पर अपनी पोस्टिंग कराने से इनकार कर दिया। फिर रेलवे ने इस स्टेशन को भुताहा रेलवे स्टेशन मानते हुए बंद कर दिया। हालांकि 2009 में एक बार फिर से इसे खोला गया था, लेकिन स्थिति वही थी। लेकिन आज भी ट्रेन का इस रूट से होकर गुजरना जारी है। एक लोको पायलट ने दावा किया है कि सूरज ढलने के बाद महिला का भूत ट्रेन के साथ साथ अभी भी दौड़ने लगती है। ऐसा हमेशा तो नहीं होता, मगर ज्यादातर होता रहता है, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर आगे निकल जाती है। अब आप बताइए, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी? वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।